दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोयम एपिथैलेमियन बाय एडमंड स्पेंसर। ये एक ब्राइडल सॉन्ग है। तो दोस्तों पोयम को एनालाइज करने से पहले हम इसके कुछ की फैक्ट्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो ये पोयम एक ओड है और ये पोयम पब्लिश हुई थी 1595 में लंदन में, और इस पोयम को एडमंड स्पेंसर ने अपनी सेकेंड वाइफ एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखा था। और एडमंड स्पेंसर की पहली वाइफ ये थी। और ये जो पोयम है ना, ये 24 स्टैंजर्स की पोयम है। और इस पोयम में पोएट अपनी शादी की बात करते हैं जो कि एलिजाबेथ से होने वाली है। और ये पोयम इस राइम स्कीम को फॉलो करता है, लेकिन हाँ, ये जो राइम स्कीम है ना, ये 15th स्टैंजा में फॉलो नहीं होता। हर एक स्टैंजा में 18 और 19 लाइंस है, लेकिन 15th स्टैंजा में 17 लाइंस है। और जो लास्ट स्टैंजा है ना, मतलब कि 24वां स्टैंजा, उसमें सिर्फ 7 लाइंस है। और लास्ट स्टैंजा को हम इनवॉय कहते हैं। और इस पोयम में कुल मिलाकर 433 लाइंस है, और इसमें से 365 लॉन्ग लाइंस है और 68 शॉर्ट लाइंस है। तो दोस्तों चलिए अब पोयम को एनालाइज करते हैं। तो पहले स्टैंजा में पोएट बात करते हैं म्यूजेस से, और पोएट म्यूजेस से प्रे करते हैं कि आप हमारी शादी को आशीर्वाद दो, और हाँ, आप कुछ ऐसा करो जिससे कोई भी हमारी शादी से ना जले। और सेकंड स्टैंजा में पोएट म्यूजेस से कहते हैं कि मेरी वाइफ को जाकर उठाओ, सुबह हो गया है। और सेकंड स्टैंजा में पोएट हाइमेन को गॉड ऑफ मैरिज भी कहते हैं। और थर्ड स्टैंजा में पोएट नाइम से कहते हैं कि मेरी वाइफ को रेडी करो और हमारी शादी के लिए एक ब्यूटीफुल लोकेशन तैयार करो। और फोर्थ स्टैंजा में पोएट प्रे करते हैं कि उनका जो वेडिंग डे है ना, वो परफेक्ट हो। और फिफ्थ से सिक्स स्टैंजा में पोएट अपनी ब्राइड को कंपेयर करते हैं इवनिंग स्टार से। और सेवेंथ स्टैंजा में पोएट छोटे छोटे बच्चों को, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को, पोएट अपने वेडिंग में आने के लिए इनवाइट करते हैं। और पोएट सन से, यानी कि पोएट सूरज को कहते हैं कि देखो आज मेरी शादी है, तो ज़्यादा गर्म मत होना, मतलब कि आज का वेदर ठीक ठाक रखना। एंड लेट दाई लीफुल हीट नॉट फरवेंट बी। तो यहाँ पर पोएट सूरज से कह रहे हैं कि तुम अपना तापमान ज़्यादा मत करना। और एट और नाइन्थ स्टैंजा में पोएट म्यूजिशियंस के बारे में बता रहे हैं कि वो कौन सा गीत गा रहा है। और यहीं पर पोएट अपनी ब्राइड को कंपेयर करते हैं गॉडेस ऑफ मून से। और टेंथ स्टैंजा में पोएट उन वोमेन से, यानी कि उन औरतों से पूछते हैं जो जो औरत इस वेडिंग में आए हैं, तो पोएट उन औरतों से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी वाइफ से ज़्यादा सुंदर किसी भी लेडी को देखा है। मेरी वाइफ तो इस शहर की सबसे अच्छी क्रिएचर है, मतलब कि मेरी वाइफ इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है। और इलेवेंथ और ट्वेल्थ स्टैंजा में पोएट अपनी वाइफ को कंपेयर करते हैं मेड्यूसा से। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूँ, कोई भी अगर इस मेड्यूसा के फेस पर आश्चर्य करता है ना, तो वो पत्थर का बन जाता है। और अब 13 स्टैंजा में पोएट अपनी ब्राइड का फिजिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं। और 14 से लेकर 17 स्टैंजा तक पोएट अपनी मैरिज सेलिब्रेशन के बारे में बताते हैं। पोएट बताते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे शादी में आए हुए हैं। और 18 से लेकर 23 स्टैंजा तक पोएट गॉड से प्रे करते हैं, हम हमेशा ऐसे ही रहे, हम हमेशा यूनाइटेड रहे, और हमारी शादी में ऐसा कोई भी ना हो जो रोए। और लास्ट स्टैंजा में पोएट चाहते हैं कि ये जो सॉन्ग है ना, मतलब कि ये जो पोयम है, ये हमेशा लास्टिंग करे, मतलब ये शादी हमेशा मेरी वाइफ के वजह से, यानी कि मेरी ब्राइड के वजह से पहचानी जाए, ना कि उन गिफ्ट्स की वजह से जो हमें मिले हैं, मतलब जो तोहफे शादी में मिले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये पोयम एंड होता है।
इस पोएम में मैंने आपको शॉर्ट समरी बताया है। मैं जल्द ही एक और वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, जिसमें मैं आपको हर एक स्टैंजा डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।